जी बापा असलकुम आप ठीक हैं अठारह तारीख के बाद ही नहीं है रोजा ही नहीं है नहीं एक जी बाइप को जा रहा है हाँ बाबा बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप हमने देखा हम समझ रहे हैं पापा बिल्कुल समझ रहे हैं दोस्तों मुख्तार अंसारी के मौत के बाद अब एक ऐसा ऑडियो रिकॉर्ड वायरल हुआ है जिसे सुनकर आप चौक जाएंगे ये ऑडियो रिकॉर्ड मुख्तार अंसारी के बेटे का है जो अपने पिता से आखिरी समय में बातचीत कर रहे हैं साथ में उनकी बेटी भी उनसे बातचीत कर रही है इस ऑडियो को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि मुख्तार अंसारी पहले से ही जान चुके थे कि उनके साथ क्या होने वाला है किस तरीके से वो अपने हालात बयां कर रहे हैं अब वो लोगों के सामने आ चुका है दुनिया इस ऑडियो को सुनकर ये कह रही है कि मुख्तार अंसारी ने जो कहा था वो सच हो गया किस तरीके से जेल के अंदर साजिश रची गई ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जो कह रहे थे वो सब कुछ एक एक करके सही साबित हो गया दरअसल दोस्तों मुख्तार अंसारी पहले से ही ये कह रहे थे कोर्ट के सामने भी मजिस्ट्रेट के सामने भी कह रहे थे कि उनको स्लो वाइज़न दिया जा रहा है उनको जहर दिया जा रहा है, माय लॉर्ड कुछ करिए उनका इलाज सही से करवाइए, लेकिन अब आखिरी पल के वो ऑडियो रिकॉर्ड वायरल हो रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की हालत 18 तारीख से बेहद ही नासाज हो गई थी वो बोल भी सही से नहीं पा रहे थे वो अपने परिवार जनों से फोन के जरिए बातचीत कर रहे थे लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा था अब ये ऑडियो तमाम लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा है हर चैनल जो है वो इस पूरे मामले को किस तरीके से जो है दिखा रहा है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे जो है आ, इस पूरे मामले को लेकर इंडिया टीवी की तरफ से भी ऑडियो जो है वायरल करते हुए कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी से उनके बेटे जो है उमर अंसारी की बातचीत हो रही थी वो ऑडियो रिकॉर्ड अब वायरल हो चुका है उनके आखिरी समय का ये ऑडियो रिकॉर्ड है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो रोजा भी नहीं रख पा रहे हैं अठारह तारीख से तो वो नमाज तक नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है तो उनका बेटा कह रहा है कि कोर्ट से वो परमिशन ले रहे हैं उनसे मिलने की आप हिम्मत मत हारिए आप जो है हिम्मत बांध कर रखिए अल्लाह सब ठीक करेंगे इस तरीके से एक बेटा अपने बाप को तसली देता हुआ नजर आ रहा था लेकिन उसके पिता कह रहे थे कि वो सही से ना खा पा रहे हैं ना चल पा रहे हैं लेकिन मीडिया किस तरीके से खबरें दिखा रहा है कि ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं इस वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है हार्ट अटैक हो गया है वो रोज़ा खोलने के बाद खूब ज्यादा खा ले रहे थे लेकिन उनकी आवाज से पता चल रहा है कि वो किस तरीके से कितनी तकलीफ में थे जेल के अंदर उनकी आवाज ही बया कर रही है कि वो सही से नहीं बात कर पा रहे हैं इस ऑडियो रिकॉर्ड को और इंडिया टीवी का जो ये चल रहा रिकॉर्ड इसमें उसको शेयर करते हुए पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि मुख्तार अंसारी से उनके बेटे उमर अंसारी की बातचीत वायरल हो रही है उमर ने कहा कि हम ऑर्डर करा रहे हैं आपसे मिलने आएंगे मुख्तार अंसारी ने कहा था हम मिलने की स्थिति में ही नहीं है हम बार बार बेहोश हो जा रहे हैं हमारी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है हमें किसी भी तरीके से जो है अच्छा फील नहीं हो रहा है ये ऑडियो रिकॉर्ड इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रहा है हर कोई इस ऑडियो रिकॉर्ड को वायरल कर रहा है शेयर कर रहा है और कह रहा है कि कि सिस्टम सिस्टम की पोल खोलने वाली जो तमाम बातें हैं वो नज़र आ रही है कि कैसे कैसे काम कर रहा था कैसे एक इंसान बार बार अपनी जान को खतरा बता रहा था और इन तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया गया दोस्तों इस पूरे ऑडियो रिकॉर्ड को सुनकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें